अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स। आप दोस्तों न्यूट्यूब के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एलाइड बैंक की जॉब्स के बारे में, जो कि अनाउंस हुई है, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेजो फी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। फ्रेश स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपनी वीडियो को और से देखना है और इसको एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब्स आर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है slabio.com। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे slabio.com लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं एलाइड बैंक जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे यू बैंक की जॉब्स नज़र आएंगी। ये भी लेटेस्ट जॉब्स हैं और बगैर एक्सपीरियंस के जॉब्स हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आपने यहाँ पे इसके नीचे इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एलाइड बैंक जॉब्स के बारे में। यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलाइड बैंक की तरफ से ये जॉब्स हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम है। तो यहाँ पे ये MTOs जनरल बैंकिंग की जॉब्स हैं। अलाइड बैंक की 1400 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें आपके पास MBA या फिर MPIT या फिर MCOM या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में या फिर बिजनेस में, या फिर आपके पास BS डिग्री हो इनमें से किसी एक भी सब्जेक्ट में, या फिर BBA ऑनर्स हो, या फिर आपके पास BSIT हो, या फिर डिजिटल बैंकिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर CGPA की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी 3.0 CGPA या फिर 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 20 जून इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऐसे करना है कि आपको यहाँ पर लिंक नज़र आएगा यहाँ पे ऊपर फॉर अप्लाई क्लिक के। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एलाइड बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, आपने इनको रीड कर लेना है। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ ऐड, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, हम आपसे यू बैंक की जो जॉब्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जॉब्स हैं। इसमें फ्रेश स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफिसर है। इसमें आपके पास जो है वो ग्रेजुएट आप होने चाहिए और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। यूनिवर्सल टेलर है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। रिलेशनशिप ऑफिसर है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है ग्रेजुएट्स के लिए। उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसीज है, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा लेकिन इसमें सिर्फ पेशावर, मर्दान, गुजरांवाला, साहिवाल और रहीम यार खान के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून है। इसमें आपने अपनी जो CV है इस ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। ये यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जॉब्स हैं। अब बात करते हैं एलाइड बैंक की जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुकी हैं। आपने यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर आपने एंटर करना है। बाकी ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आपने इसको फिल कर देना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।